फ्रेंड्स, स्वामी हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। सेकंड चैप्टर चल रहा है क्लास का। आज है क्वेश्चन आंसर धरातल। पहला क्वेश्चन है मृदा किसे कहते हैं। धरातल की ऊपरी पतली परत मृदा से बनी है। मृदा सैलकणों तथा जैव पदार्थों का मिश्रण है, यानी कि जैसे अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के ऊपर ये जो ऊपरी परत होती है ये ही मृदा होती है। अब ये जो मृदा है बनी किसकी चीज से है, ये बनी है सैलकणों से और जैव पदार्थों से। जैव पदार्थों का मतलब होता है पेड़ पौधे और जीव जंतु के मिश्रण से। सैलकण का मतलब है पहाड़ों के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनसे बनती है मृदा। सेकंड क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है। जल और वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है, यानी कि जब हवा चलती है तो साथ में जो भूमि है उसका ऊपर का जो हिस्सा है धीरे धीरे कटने लग जाता है, तो उसे कहते हैं मृदा अपरदन। या फिर जब बाढ़ आती है बाढ़ के साथ जो उपजाऊ भूमि है उसका ऊपर का कटाव होने लग जाता है, यानी ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो कटने लग जाती है, उसे कहते हैं मृदा अपरदन। थर्ड क्वेश्चन है पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहा जाता है। सबको पता है कि 70% पृथ्वी के ऊपर जल है, इसलिए ही इसको पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। उत्तर है पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसे जल ग्रह कहा जाता है, यानी कि जैसे पृथ्वी के ऊपर 70% जल है और मात्र 30% भाग ऐसा है जहां पर जीवन संभव है, यानी कि जहां पर हम रह सकते हैं। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।